Thanks, thanks to all. क्या बात है. मैं तो सोच रहा था कि हमारी तरह सब अभी सो रहे होंगे, राइट. लेकिन वो श्याम जी मेरे से जब कह रहे थे कि वो 7:30 बजे का टाइम है ना, तो मेरे दिमाग में था कि शाम को 7:30 बजे का टाइम. और 2 दिन पहले मैंने फिर ऐसी मेरी नजर पड़ी तो उसपे AM लिखा हुआ था, तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है क्या. फिर मैंने कंफर्म किया कल या परसों ही मेरी बात हुई कि ये मॉर्निंग है कि इवनिंग है. उन्होंने बोला नहीं जी मॉर्निंग है. तो एक मिनट मैं थोड़ा गैलरी व्यू में करता हूँ, आप सब लोग ज्यादा देखेंगे तो ठीक रहेगा मेरे लिए, राइट. तो मैं यही सोच रहा था कि कुछ लोग होंगे अभी, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि लगभग 100 लोग यानी 100 डिस्ट्रीब्यूटरशिप यहाँ पे है. ये वो लोग हैं जो बिजनेस के साथ साथ इसका मतलब सेहत पसंद है या फिर बहुत ही डिसिप्लिन है. क्योंकि कई बार कुछ लोग मुझे पता है जो लोग सुबह नहीं उठने के आदी होंगे या सुबह जल्दी नहीं उठते होंगे, फिर भी चूंकि अपलाइन की कॉल थी या कुछ ऐसी एक्टिविटी थी इसलिए आज वो यहाँ पे है. तो मैं आपसे करीब कोई आई थिंक 40 मिनट्स के आसपास बात करूंगा, और कुछ ऐसी कुछ बड़ी बात नहीं बताने वाला हूं मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बात करूंगा जिसकी वजह से बिजनेस में दिक्कतें आती. क्योंकि आप सबने हमेशा एक चीज सुना होगा कि जो हमारा एमवे बिजनेस है ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन आसान नहीं. आसान इसलिए नहीं है क्योंकि सिंपल है, और सिंपल होने की वजह से हम लोगों जैसे जो चैंपियंस हैं, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जिनके मन में चल रहा होता है कि नहीं जो है अच्छा है लेकिन कुछ और बड़ा हो तो मजा आ जाए, तो वो इस बिजनेस को कर पाते हैं. सिंपल से मेरा मतलब हमेशा यही होता है कि एनीबडी हु वांट्स कैन डू दिस बिजनेस, कोई भी जो चाहता है वो कर सकता है. तो बात शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आप सबसे यही कहूंगा कि वेलकम है आप सबका. वंस अगेन आप एक क्लैप अपने लिए अच्छी सी करिए, आप सब लोग एक बढ़िया सी क्लैप करिए आप. सो वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया, नाइस. क्योंकि मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना, ये बड़ा ही क्रूशियल टाइम होता है. किसी के लिए सोने के लिए होता है, किसी के लिए हेल्थ में टाइम इन्वेस्ट करने के लिए होता है, किसी को कभी जॉब में जाना है. मुझे महिलाएं दिख रही हैं अभी सुबह सुबह ही, मिसेज मेरे से कह रही थी कि सुबह 7:30 बजे महिलाएं भी होंगी क्या. तो मैंने कहा हाँ हो सकती हैं, मुश्किल तो है, लेकिन मैं देख रहा हूँ काफी महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं. बिकॉज मॉर्निंग में उनको बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट, अगर इन लॉज हैं तो उनके लिए कुछ करना होता है, बट आप सब लोग वो सब मैनेज करके यहाँ पे हो, तो रियली आप लोग बधाई के पात्र. तो मैं बात कर रहा था कि ये बिजनेस सिंपल है. सो हमें क्या करना है कि हमें इसको सिंपल ही रखना है. और अब जब हम लोग अभी मिल रहे हैं, पहले हम लखनऊ आया करते थे, अभी 3-4 दिन पहले ही मेरी एक डिस्ट्रीब्यूटर, सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर से बात हो रही थी. हमारे टीम में एमरल्ड है डॉक्टर हरीश उपाध्याय, तो उनसे चर्चा हो रही थी. तो हमने कहा कि अब वो समय नहीं आएगा जो पहले आया था. यानी जब हमें याद है शुरुआती दिनों में जब लखनऊ में बिजनेस हम लोग कर रहे थे, तो शुरुआत में यूजुअली आई यूज टू ट्रेवल एवरी सैटरडे संडे. यानी हम हर फ्राइडे की रात की ट्रेन लेते थे, सैटरडे मॉर्निंग नॉर्मली पहुंच जाते थे. एटलीस्ट मंथ में 3 सैटरडे संडे ऐसा होता था मिनिमम. और फिर दिन भर हम लोग काम करते थे, मतलब वो 4 मीटिंग 5 मीटिंग 6 मीटिंग ऐसे करते थे. और ज्यादातर केसेस में सुबह हम लोग नाश्ता वास्ता करके निकलते थे, और मोस्ट ऑफ द केसेस में लंच हम लोग नहीं लेते थे, वो मिक्स फ्रूट जूस पीते थे हम और श्याम भैया. आपके यहाँ लखनऊ में वो बड़ा वाला ग्लास आता है, तो वो बड़ा वाला ग्लास पीते थे हम लोग, और इस तरह से वो डे हमारा निकलता था. बट मजा आता था. लेकिन मैं वही डिस्कस कर रहा था कि शायद अब वो सीन नहीं रहेगी. आउट स्टेशन बिजनेस के लिए उतना नहीं भागना पड़ेगा, क्योंकि जो एटलीस्ट जो सीरियस लोग रहेंगे उनके साथ तो फिर हम घर बैठे बात कर सकते हैं, और वो उसमें कंफर्टेबल भी रहे. तो अब जो आपका टाइम है वो थोड़ा सा आपको ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब ये पैंडेमिक खत्म होगा तो फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होंगी, लेकिन ये जो फिजिकल एक्टिविटी होंगी ये मैक्सिमम केसेस में लोकल होंगी.
और हो सकता है लोकल में भी लोकल हो जाए, यानी आप लखनऊ में हैं और अगर पता लगा कि नॉर्थ साइड इंदिरा नगर में रह रहे हैं और आपको साउथ साइड वो स्कूटर इंडिया का कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, तो हो सकता है वो सीरियस हो गया, तो आप बैठ के उसके साथ काउंसलिंग प्रेफर ना करें, वो बोले चलो रात में 10 बजे जूम पे बैठते हैं, डिजिटली मिलते हैं। और उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले आपको आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करना। जो छोटी छोटी चीजें हैं, आई होप कि इसमें हर लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, श्याम भैया हर लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर हैं? जी जी सर जी, राइट। तो जो बेसिक चीजें हैं वो सबसे ये है कि आपको डिजिटल इन्वायरमेंट क्रिएट करना आपको अपने घर के अंदर। सबसे पहले आपको एक बात समझनी है, पहले भी हम लोगों को बताते थे कि हमारे बिजनेस में आपको अपना ड्रेसिंग सेंस ठीक करना है, और ये डिजिटल मीटिंग में ड्रेसिंग सेंस की बड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि होता क्या है कि हम घर में बैठे और कई बार हम ये सोचते हैं कि हम घर में बैठे और घर वाले ड्रेस में भी ही मीटिंग में भी बैठ जाते हैं। आप एक चीज सोच के देखिए, जब आप घर में भी बैठे होते थे और मान लीजिए फिजिकली कोई आपसे मिलने आ रहा है, तो आप उसी ड्रेस में उससे मिल लेते थे या थोड़ा सा आप अपना चेंज कर लेते थे? ठीक है वो टी शर्ट है तो शर्ट पहन लिया, या हाफ बरमूडे में बैठे हैं तो आपने फुल पहन लिया, मतलब थोड़ा सा आप अपने आप को चेंज करते थे ना, महिलाएं बाल ठीक कर लिया। महिलाएं तो वैसे हमेशा वो ड्रेसिंग सेंस को लेके बहुत ही कॉन्शियस रहते हैं। तो अभी आप एक चीज सोच के देखिए कि जब आप मीटिंग में बैठते हैं डिजिटल, तो एक आदमी आपसे मिलने नहीं आ रहा है, आप स्क्रीन पर सबको दिख रहे हैं। अभी आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, वैसे तो एक आदमी आपके घर पे मिलने आता था, एक कपल एक फैमिली से आप मिलने आते थे। तो इसलिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका ड्रेसिंग सेंस प्रॉपर होना चाहिए जब आप डिजिटल मीटिंग में। यहाँ पे मैं जब ड्रेसिंग सेंस प्रॉपर की बात कर रहा हूँ, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप हमेशा हर मीटिंग में वो कोट और टाई पहनेंगे, लेकिन हाँ मतलब ऐसा रहना चाहिए कि जो एक जिसको हम बोलते हैं बिजनेस कैजुअल, तो बिजनेस कैजुअल मीटिंग में आप रहें, फॉर्मल में ना रहें तो बिजनेस कैजुअल में ना। आप स्पोर्ट्स में या एकदम से कैजुअल में अवॉइड करें तो अच्छा है, राइट। तो पहली चीज जो है वो आपका है ड्रेसिंग सेंस। इस चीज को, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आपके बिजनेस में बहुत इंपैक्ट डालेंगे, क्योंकि आप इस बात से जरूर सहमत होंगे कि जो फर्स्ट अपीयरेंस होता है आपका किसी भी व्यक्ति के साथ, उसमें जो आपका ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत मायने रखता है। जस्ट ए मिनट प्लीज। तो जो भी आदमी आपके सामने आता है, सबसे पहले तो जो आप पहला ओपिनियन उसके बारे में बनाते हैं, तो वो किससे बनाते हैं? उसको देख के, उसका लुक, उसका ड्रेसिंग सेंस, उससे आप बनाते। दूसरी चीज, अब पहले क्या होता था, जब आप फिजिकली मिलते थे तो ठीक है, जब आप किसी के घर जाते थे तो उसके घर का भी आपका इन्वायरमेंट आपको थोड़ा अपील करता था या आपको लगता था। अब यहाँ पे क्या है कि आप डिजिटली मिल रहे, तो ऐसे में आपका जो डिजिटल इन्वायरमेंट है, बैकग्राउंड है, या जो जस्ट अ मिनट, मेरी बैटरी डाउन हो रही, जस्ट अ मिनट प्लीज। राइट। सो जो आपका डिजी इन्वायरमेंट है, आप जहां बैठ रहे हैं, अभी मैं देखता हूं कई बार आप बिजनेस में सीरियस भी हैं, करना भी चाहते हैं, इवन 6% एंड अबव हैं, फिर भी आपके घर पे आपका कोई कॉर्नर फिट नहीं है, आप कई बार तो वो लोग मोबाइल लेके टहलते रहते हैं, कई बार वो मोबाइल लेके छत पे जा रहे हैं,
तो आपको जो अपना अपीयरेंस है वो सबसे पहले वो ठीक करना है कि आपकी आप प्रेजेंटेबल होने चाहिए। मैं एक लाइन में अगर बोलूं तो आप प्रेजेंटेबल होने चाहिए, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल। तो पहली ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, आपको ना अपने पोस्चर पे बहुत ध्यान रखना है जब आप इस बिजनेस को बना रहे हैं। अब ये जो आपका पोस्चर है ये कहां से इंप्रूव होगा? जितनी नॉलेज आपकी बढ़ेगी, जितना बिजनेस को लेकर के आपके पास नॉलेज आएगी, जितना बिजनेस को लेकर अंडरस्टैंडिंग आएगी, उतना ही आपका पोस्चर अच्छा होगा। क्योंकि शुरू शुरू में क्या होता है कि हमें लगता है कि वो फला आदमी के पास पैसा है तो मैं वो ये बिजनेस करेगा कि नहीं करेगा, या कई बार हमें लगता है कि वो आदमी बड़ा साफ है, अच्छी नौकरी में है, वो इस बिजनेस को करेगा कि नहीं करेगा। अब ये सवाल का जो जवाब है ना आप, वो ये है कि आप जितनी ज्यादा ऑडियो वीडियो सीडी सुन सकते हैं सक्सेसफुल लोगों की, उतनी ज्यादा सुनिए। इसीलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि अगर आप नए हैं तो पहले 30 डेज में आपको कम से कम 30 सक्सेसफुल स्टोरी सुननी चाहिए, ऑडियो वीडियो सीडी सुननी चाहिए। और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनका काम है नए लोगों को कम से कम 30 ऑडियो वीडियो स्टोरी सुनवाएं पहले 30 डेज के अंदर, और उस 30 डेज में आप उनको कम से कम 6% बिजनेस अचीव करने में हेल्प करें। चलेगा सर, राइट। तो आपका जो पोस्चर होगा वो आप सक्सेसफुल स्टोरीज आप सुनेंगे, और इनिशियली आपको जो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ानी है। आपको दो, मैं हमेशा बात करता हूं तो ये जरूर बात करता हूं कि आपको डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है वो स्टडी करना है, और एमवे एज एन ऑर्गेनाइजेशन वो कहां स्टैंड करता है वो स्टडी करना है। क्योंकि जब आप एमवे बिजनेस शुरू करते हैं तो एमवे बिजनेस करने में मुश्किल नहीं है, मुश्किल क्या होता है जब आपका कोई सगा संबंधी कहता है जी कहां फंस गए, मुश्किल कहां है जब आप तीन लोग आपको मना कर देते, चार लोग आपको मना कर देते। कई बार जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उन्हें पता है कि किसी को प्लान दिखाते हैं वो बहुत एक्साइटेड होता है, वो कहता है हाँ पार्ट टाइम में हमें इनकम बनानी है, और दूसरा उसे ये भी समझ आ जाता है कि भाई ये बिजनेस में खोने के लिए कुछ भी नहीं। लेकिन जब आप किसी वजह से तीन चार दिन गैप हो जाता है और पांचवें दिन आप उसको फोन करते हैं तो उसका फोन नहीं उठता, या फोन उठता है तो फिर वो सडन बहुत बिजी हो जाता है, वो कहता है जी आपको पता नहीं है मैं एक्चुअली मैं ऐसे ये प्रॉब्लम आ गई, ये वो प्रॉब्लम आ गई, ये जॉब के चैलेंजेस आ गए। एक्चुअली चैलेंजेस कुछ नहीं है, चैलेंज ये था कि उसने तीन चार आदमी से बात की और उन्होंने मना कर दिया या उन्होंने उसको समझा दिया। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला काम करना है एज ए न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, वो ये है कि आपको स्टडी करना है बिजनेस पोटेंशियल, आपको स्टडी करना है कि एमवे कहां पे स्टैंड करता है, और अगर हम पुराने हैं तो नए को हमें ये हेल्प करना है इसको स्टडी कराने में। दूसरी चीज हमें बताना है कि नेचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का नेचर क्या है, उसके बारे में हमें अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को जरूर बताना, और खुद को भी समझना है कि कोई भी चीज अगर हमें पसंद है, अगर हम में से किसी को कोई कलर पसंद है, लेट से कोई कहता जी मुझे ब्लू कलर पसंद है, तो हो सकता है आपके स्पाउस को, आपकी वाइफ को ब्लू कलर पसंद हो सकता है ना हो, आपके बच्चे को हो सकता है पसंद हो सकता है ना हो, आपके दोस्त को हो सकता है पसंद है हो सकता है ना हो। इसका ये मतलब नहीं है कि वो ब्लू कलर खराब हो गया या आपकी पसंद खराब हो गई, सबकी अलग अलग पसंद। तो जब आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपको दो चीज समझनी है कि बिजनेस मुश्किल से, इस बिजनेस के अलावा आप सोच के देखिए कि बिजनेस मुश्किल से 1% से लेकर के 2% तक लोग ही करते हैं दुनिया में। अब किसी भी बिजनेस को उठा लें, अगर आपको लगता है कपड़ा सब लोग पहनते हैं तो क्या लगता है कपड़े के व्यापार में कितने लोग होंगे? अब सोच के देखिए, अगर हमारे साथ 100 लोग हैं तो मुझे लगता है हार्डली 1-2 लोग होंगे जो कपड़े के व्यापार में होंगे।
इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो बिजनेसमैन है बिजनेस परसेंटेज वो 1 से 2% ही है। पेन आप सब लोग हाथ आप सबके हाथ में है तो आप देखिए पेन के व्यापार में कितने लोग, बर्तन आप सबके घरों में है तो बर्तन के व्यापार में कितने परसेंट लोग हैं। तो किसी के भी व्यापार में मुश्किल से हार्डली 0.5 to 1% लोग रहते हैं, 2% लोग रहते हैं। तो जब आप एमवे बिजनेस करेंगे तो आपको क्या लगता है कि एमवे बिजनेस को सक्सेसफुली कितने परसेंट लोग करेंगे? यहां पे थोड़ा ज्यादा करेंगे। एमवे बिजनेस को 5 से 10% लोग सक्सेसफुली कर लेते हैं। उसके पीछे कारण क्या है कि उनका कोई नियर डियर इस बिजनेस को प्रपोज करता है, उसको थोड़ा सा हेल्प करता है मीटिंग्स में बैठने के लिए, हेल्प करता है बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए, हेल्प करता है बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि अगर आप इस बिजनेस में हैं, एमवे बिजनेस में हैं, तो मैं एक चीज की गारंटी लेता हूं कि आपके जो पूर्व जन्म के संस्कार थे वो बहुत अच्छे थे, क्योंकि एमवे बिजनेस समझ के नहीं करता कोई भी, इस बात की गारंटी है। पूर्व जन्म के संस्कार बहुत अच्छे थे। मैं ऐसा कैसे कह रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि इस दुनिया में जितने भी जीव हैं उसमें अगर सबसे समझदार और सबसे सुंदर जीव कोई है तो वो इंसान है। तो चाहे हमने पूर्व जन्म ने बहुत गलतियां करी हो, लेकिन भगवान की तराजू में कहीं ना कहीं ये था कि हमें वो इंसान बनाने की श्रेणी में लेके आए। इंसान बनने के बाद हमको पढ़ने लिखने का मौका मिला, हमको एक अच्छा समाज मिला। हम में से कोई भी शायद वो जनजातीय समाज में नहीं है, आदिवासी नहीं है, किसी ऐसे देश में नहीं पैदा हुए जो यू नो पोल्स पे सिचुएटेड है। तो आप सोचो कि हम उसमें भी जो इंसान है ना, उनमें भी हम थोड़ी अच्छी कैटेगरी के थे, इसलिए हमको हिंदुस्तान में भेजा गया, इसलिए हमें एक अच्छा एनवायरमेंट मिला। और उसमें भी आपको एमवे बिजनेस मिला जो बिना समझे आपने हाँ कर दिया, मुंडी ऐसे हिलाई। आप चाहते तो ऐसे हिला सकते थे। अब सोच के देखो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि कोई आपको कह रहा था, आपने उसको मना नहीं किया। क्यों नहीं मना किया? सोच के अगर हम लोग अभी पीछे मुड़ के देखते हैं, अगर मैं अपना हिस्ट्री देखता हूं तो हमें समझ नहीं आता कि हमने मना क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे पास मना करने का पर्याप्त कारण था। जॉब थी, पार्ट टाइम में कोचिंग ट्यूशन था, टाइम बिल्कुल नहीं था, लेकिन हमने हाँ उस समय इसलिए किया था कि हाँ कर देते हैं, इसके बाद इनका कहना बंद हो जाए। ऐसे ही आप लोगों ने भी हाँ करने के डिफरेंट डिफरेंट कारण से शुरू में हाँ किया होगा। दोस्त है कह रहा है, रिलेटिव है कह रहा है, चलो कोई नुकसान नहीं है। और जब आप समझते हैं इस बिजनेस को तो पता चलता है कि दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस, क्योंकि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां मिडिल क्लास के लोगों को ये ऑफर होता है कि अगर वो काम करें डिसिप्लिन के साथ, ये 2 से 5 साल वो काम करें तो पैसा, समय, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, एसोसिएशन, अच्छे रिलेशनशिप्स, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ रिलेशनशिप। आप सोच के देखिए, अभी मेरा बेटा मेरे से कह रहा था, पापा वो रिच डैड पुअर डैड बुक है क्या, आप लोग हमेशा वो प्लान में दिखाते हो। मैंने कहा क्यों? तो वो पता नहीं क्या मुझसे बोला कि टॉप 5 बेस्ट सेलिंग वो बिजनेस बुक या क्या मुझे बता रहा था कि वो उसमें है। जो आप स्किल विद पीपल जिसकी बात करते हैं श्याम जी हमेशा, वो कह रहा था वो 2nd नंबर की बुक है वर्ल्ड में, पता नहीं मतलब जो मोस्ट सेलिंग या किस में है, जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो सबको पढ़ना चाहिए। वो हाँ, वो कह रहा था कि हर किसी को पढ़ना चाहिए बिफोर डेथ। तो मैंने कहा यहाँ तो हम डेथ की तो बात ही नहीं करते, यहाँ तो जो बिजनेस शुरू करता है उसकी शुरुआत ही हम यहाँ से करते हैं कि आपको ये किताबें पढ़नी चाहिए। सी, अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस, अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द बिजनेस। तो वो अगर सब कुछ आपके पास है तो वो आपको अंडरस्टैंड करना है। और जब आपने ये तय कर लिया कि मुझे ये बिजनेस करना है, नाउ द इम्पोर्टेंट सेंटेंस इज रेडी टू चेंज, थोड़ा बदलने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि जब भी आप किसी काम को तय करते हैं तो आप थोड़ा चेंज होते हैं, क्योंकि उस काम की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको बदलना होगा। अगर आप बदलेंगे नहीं तो बदल दिए जाएंगे। सो रेडी टू बी चेंज। अब यहां पे कोई बड़े चेंजेस नहीं करने हैं, जैसा मैंने कहा शुरू में, थोड़ा आप घर में बैठ के ड्रेसिंग सेंस चेंज कर सकते हो। थोड़ा हो सकता है आप में से कोई ऐसा हो जो पहली बार सोच रहा हो कि यार जूम मीटिंग कैसे करते हैं, कोई बात नहीं, बच्चों से सीख लीजिए, अपलायंस से सीख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा टाइम में आप अपने आप को मैनेज करिए, थोड़ा प्रोडक्ट्स को चेंज करना है
कई बार लोग कहते नहीं जी हम तो ब्रांड चेंज नहीं करते, तो मेरे मन में यही आता है कि मैं इसको बोल दूं फिर जिंदगी बदलने वाली नहीं है। सो रेडी टू चेंज, जो चीज पसंद है। देखिए दो सेंटेंस हमेशा है जो आपको जीवन में आपको काम आएंगे हमेशा। पहला सेंटेंस होता है वो करो जो आपको पसंद है, लेकिन ये हमेशा लागू नहीं होता। कई बार ये सेंटेंस आज की डेट में बहुत प्रचलन में। आप एक चीज सोच के देखिए, अगर आपका बच्चा है और अभी वो 2 में है, कक्षा 3 में है, कक्षा 4 में, कक्षा 5 में, और आपको बोलो बेटा वो करो जो तुझे पसंद है, आपको क्या लगता है वो पढ़ेगा या गेम खेलेगा? सोच के देखो, बच्चा 10th में है, 11th है, 12th, बेटा वो करो जो तुझे पसंद है, तो क्या लगता है उसको क्या ज्यादा पसंद है, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मस्ती करना, सोना या पढ़ना? तो मैक्सिमम केसेस में आपको पता है कि अगर वो आदमी वो करे जो उसे पसंद है तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। ये केवल करियर के प्रोस्पेक्टिव में आता है कि जब आपके पास करियर ऑप्शंस कई हैं उसमें आप वो करियर चूज करो जो आपको पसंद है। ऐसे जीवन में नहीं है। आप सुबह उठ के सुबह सो के उठना किसको पसंद है? लेकिन अगर आपको हेल्दी रहना है तो पूरे दुनिया के अंदर कहते हैं जी 5 AM क्लब, अगर आपको अच्छी हेल्थ रखनी है तो पूरे दुनिया में, नॉट इन इंडिया, इंडिया का तो मान लो 4-4 AM है संस्कारों में, लेकिन वो 5 AM क्लब करके बुक्स लिखी गई है, वो अच्छा नहीं लगता। सो दूसरा सेंटेंस क्या है कि जब जिस करियर को आपने चूज किया है, डू वॉट एवर इट टेक्स, आपको वो करना है जो उस करियर के लिए जरूरी है। जब आपने तय कर लिया मुझे इस काम को करना है तो आपको वही काम करना है जो वहां के लिए जरूरी है। अब वो पसंद है नहीं है हार्डली मैटर्स, क्योंकि आपको वहां पे सक्सेसफुल होना है। सो रेडी टू चेंज, जो मुझे आपसे बात करनी, रेडी टू चेंज। दूसरी चीज, 1 मिनट श्याम भैया, 5 मिनट रह जाए तो मुझे बता दीजिएगा मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बात करता हूँ। लेट मी 1 मिनट। हाँ राइट। सो आपको रेडी टू चेंज। दूसरी चीज जो मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं वो है कि आपको कुछ चीजों पे फोकस रखना है जब आप ये बिजनेस को तेजी से बड़ा बनाना चाहते हैं। देखिए आज जो हमारी आपसे बात हो रही है वो बात हो रही है कि अभी ये जो फिजिकल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है, इसमें आपके पास 60 डेज हैं, और आप इसको इस तरह से मत देखिए, ये 60 डेज नहीं है, ये आप ये देखिए कि आपका जो फर्स्ट 60 डेज है, अगर कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसे ये देखना है कि उसे फर्स्ट 60 डेज में क्या करना है। अगर आप पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपकी टीम में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर आए हैं उनको फर्स्ट 60 डेज में क्या करना है। और अगर आप अपना गोल सेट करने लग गए हैं, आप 6%, 9%, 12% पे हैं, तो आपको ये देखना है कि हमें पहले 60 डेज में क्या करना है, क्योंकि वो आपको 60 डेज देखने हैं। फिर 60 डेज में आप अगर 2 घंटे टाइम डालते हो तो आपके पास वो 120 घंटे हैं, इस 120 घंटे में आपको क्या काम करना है। जितना ज्यादा माइक्रो लेवल पे अपनी प्लानिंग करेंगे आपकी सक्सेस उतनी नजदीक हो। सो कई बार जो हमारा एमबीए बिजनेस के अंदर ना फेल होने के जो कारण है, या एमबीए बिजनेस में जो टाइम ज्यादा लगता है, अगर एक कारण मेरे से कोई पूछे तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप ध्यान रखना, और जब भी आपके मन में ये विचार आए तो आप समझ लेना कि आप अपने बिजनेस को या तो आप फेलियर की तरफ जा रहे हो या आप डिले कर रहे हो। एंड ये है इजी टू पोस्टपोन, आसानी से कल पे टाला जा सकता है, और यही वजह है कि इस बिजनेस में लोग फेल होते हैं। नए लोग पहले क्या कहते हैं, कल करूंगा सर, रुक जाओ अभी शादियां हैं, बस कुछ शादियां अटेंड कर लेता हूं, बच्चों के एग्जाम्स हैं, ये है वो है, वो टलता है, और 4 महीने बाद 3 महीने बाद 2 महीने बाद उनको ये लगने लगता है कि यार 4 महीने से तो कर रहा हूं कुछ हो नहीं रहा, किया कुछ नहीं, केवल अप्लाइंस से बट डेट मांगी है। इसी तरह से जब आप बिजनेस बनाना शुरू कर देते हैं तो आपके मन में क्या आता है, कल करूंगा, और कल करते करते आज इस महीने का क्या तारीख हो गया, 5 तारीख हो गया। कुछ लोगों ने अपने गोल का 1/4 कंप्लीट कर लिया, एकम्प्लिश कर लिया है ना। मैं एक जगह मैं फोकस कर रहा हूँ एक बंदे के साथ, तो वो 6% पे था, तो मैंने कहा इस महीने क्या गोल है, उसके साथ बातचीत हुई मेरी 2 तारीख में, वो कहता सर हर हाल में 9% करना है, तो मैंने कहा फिर प्लानिंग क्या है,
तो वो कहता है कि सर अब अगले संडे जो है दो तीन मीटिंग रखूंगा, दो तीन होम मीटिंग। मैंने कहा भाई अगले संडे तो 11 तारीख हो जाएगी, फिर 9 होना मुश्किल है। मैंने कहा अगर आप 9 रियल में करना चाहते हो तो इस संडे आपको कम से कम 10 नए लोगों को प्लान दिखवाना चाहिए। और वो 10 तो नहीं दिखाया उन्होंने, 6-7 लोगों के प्लान दिखवाया। और कल वो बहुत एक्साइटेड थे, बोले सर 3 लोगों के डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, 3 लोग ज्वाइन करने के लिए तैयार। अगर आपने ये जो फर्स्ट वीक में अगर आपने काम कर लिया और अगर आपने 7 तारीख तक अपने गोल का 1/4 भी अकम्प्लिश कर लिया तो अब आपका आसान हो जाता है काम पूरे महीने का। कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं, कुछ लोग अभी तक अपलाइन के साथ नहीं बैठे। तो अभी आपको क्या काम करना है कि एक चीज ध्यान रखो कि ये बिजनेस को पोस्टपोन नहीं करना। कुछ लोग बोलते जी इस महीने नहीं सर, आप रुक जाओ सर सितंबर से करता हूं। तो आप समझ जाना कि आपके बिजनेस में बहुत टाइम लगने वाला है। डू इट राइट नाउ, अभी करो आप। सितंबर से करना है ठीक, आप सितंबर से 10,000 पॉइंट्स करने का सोच रहे हैं, 4,000 पॉइंट्स करने का सोच रहे हैं, 9% करने का सोच रहे हैं, व्हाटएवर। लेकिन वो सितंबर से 9% तभी होगा जब आप अभी से काम करेंगे। सो डोंट पोस्टपोन, स्टे फोकस। आपको कुछ चीजों पे फोकस बना के रखना है। मैं आपको जल्दी जल्दी कुछ पॉइंट्स की बात कर रहा हूं जिसपे आपको फोकस बना के रखना है। सबसे पहला फोकस रखना है मेक योर सर्कल राइट। आपको जो अपना सर्कल है ना वो सही करके रखना है, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए 100% रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, दूसरे के लिए नहीं। जो आपका पहला सर्कल है वो ये है कि आप 100-500 पॉइंट्स पर्सनल करने के लिए प्लान करिए। यानी आप 10-20 कस्टमर इनिशियली बनाइए। आप नए हैं तो पहला टारगेट हो कि हमारा 100 पॉइंट्स होने लग जाए। अगर आप 6% आ गए हैं तो आप कम से कम 200 पॉइंट्स का टारगेट बनाइए। अगर आप 9% हैं तो आप 300 पीवी या उससे ज्यादा करने का सोचिए। और अगर आप 12% 15% हैं तो 500 पॉइंट्स तक का प्लान कर सकते हैं, 300-500 पीवी। यानी आपको अपना सर्कल राइट रखना है 100-500 पीवी। दूसरा जो काम करना है आपको अपने सर्कल को राइट करने के लिए कि क्या आप रोज कुछ सीडी सुन रहे हैं, आर यू लिसनिंग द सीडीज। क्योंकि आपको अपना सर्कल राइट रखने के लिए आप सही रहे इसलिए आपको अपना एसोसिएशन सही रखना है, अपनी संगत सही रखनी है। और आप सब लोग एक बात से एग्री करते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो अगर आपको खुद को सही रखना है पहले तो खुद को सेव करना है। आप अपने बच्चे को बोलते हो ना कि भाई अच्छे दोस्तों के साथ रहना, अच्छे स्कूल में दाखिला कराना चाहते हो, उसके पीछे पर्पज क्या है कि आपको मालूम है कि जैसी संगत वैसी रंगत। सो आपको अपना सर्कल राइट रखना है तो अपनी संगत सही करनी है। और अपनी संगत सही करनी है तो रोज कम से कम 15-20 मिनट आपको सीडी सुननी है, रोज 15-20 मिनट आपको बुक्स पढ़नी है। और जो भी मीटिंग्स हैं आपके फंक्शंस हैं, स्पेशली आपकी पेस मीटिंग आपकी ओपन मीटिंग, ये आपको हर हाल में अटेंड करना है। इससे क्या होगा कि आपका सर्कल राइट हुआ, पहले आपने वो किया जो जो आप चाहते हो। जो लास्ट काम आपको अपने सर्कल को राइट करने में है वो दो काम है। अगर आप नए हैं तो कम से कम महीने में 10 लोगों को यह बिजनेस प्रेजेंटेशन करवाना है। दूसरा, यदि आपके बिजनेस में आपने 10 प्लान देख लिया है तो आपको यह प्रेजेंटेशन खुद करना शुरू कर देना है, स्टार्ट शोइंग द प्लान। और जब आपको प्लान दिखाने आ गया, यहां पे जितने लोग भी बैठे हैं और उनको लगता है हाँ मैं प्लान दिखा सकता हूं, तो आपका सर्कल राइट तब होता है जब आप हफ्ते में कम से कम 5 प्लान करें। ये मिनिमम की बात मैं कर रहा हूं, बेयर मिनिमम, बाकी ऊपर आप जितनी जल्दी ग्रो करना चाहते हैं आप करिए। जब आपको प्लान दिखाने आ गया तो हफ्ते में कम से कम 5 प्लान, मे बी फॉर योर सेल्फ मे बी फॉर योर टीम, अपने लिए या टीम के लिए। अगर आप 6% पे हैं, 9% पे हैं, 12% पे हैं, लेकिन अगर आपके हाथ से आपका वो लोग 20 लोग प्लान नहीं देख रहे हैं तो सॉरी, आपका बिजनेस ग्रो नहीं करने वाला। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि प्लान दिखाने के जो तरीके हैं, जब आप प्लान दिखाते हैं तो पहले भी था, फिजिकल भी और डिजिटल भी, 1-on-1 प्लान, जो सबसे ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड प्लान होता है वो है 1-on-1। जब आप अकेले बैठते हैं, वो व्यक्ति अकेले बैठता है और आप उसको प्लान दिखाते हैं या दिखवाते हैं, सबसे अच्छा रिजल्ट वहां पे आता है। क्योंकि वो प्लान जो होता है थोड़ा सा पर्सन स्पेसिफिक होता है। अगर मुझे पता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो गवर्नमेंट जॉब में है या वो क्लास 2 ऑफिसर है और मैं उसको प्लान दिखा रहा हूं, तो मेरा फोकस उस तरह से होगा
कि कैसे वो पार्ट टाइम में एक लीगल इनकम कैसे बना सकता है। मेरा फोकस होगा कि मैं उन लोगों को कोड करूं जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट में हैं, जो सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं, जो क्लास वन है क्लास टू है, मैं उसको कोड करूंगा। मैं रीजंस उसकी बात करूंगा क्यों वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, मैं उस सीरीज को कोड करूंगा जब मैं पर्सनल किसी को प्लान दिखा रहा हूं। और वही चीज आपके साथ भी है, पर्सनल मैं किसी स्टूडेंट को प्लान दिखा रहा हूं तो मैं उसको 50 लाख की बात नहीं करूंगा। पर्सनल कोई 15,000 रुपए की नौकरी कर रहा है तो मेरा फोकस होगा उसको कि मैं बताऊं कि 20,000-25,000 रुपए कैसे वो 2-3 साल में एक्स्ट्रा बना सकता है। तो जब सबसे ज्यादा रिजल्ट आता है वो वन ऑन वन आता है। और डिजिटल मीटिंग में भी जो सबसे ज्यादा रिजल्ट आता है, फिजिकल में तो कई बार ओपन मीटिंग में आप बैठाते थे तो वो आदमी वहां का क्राउड देख के एक्साइटेड हो जाता था, इन्वायरमेंट देख के एक्साइटेड हो जाता था कि नहीं यार, और देखता था लोग वो 30-30 रुपए 40-40 रुपए का टिकट लेके बैठ रहे तो उसको देख के वो एक्साइटेड हो जाता था। डिजिटल में जो सबसे ज्यादा रिजल्ट है वो डिजिटल होम मीट डिजिटल वन ऑन वन का है और वेब होम मीटिंग का है। सो जितना ज्यादा पॉसिबल है वन ऑन वन और वेब होम मीटिंग। वेब होम मीटिंग का क्या मतलब हुआ, 4-5 प्रोस्पेक्ट है और एक प्रेजेंटेशन हो रहा है, क्योंकि वो 4-5 प्रोस्पेक्ट के साथ भी इंटरेक्शन हो सकता है। पहले भी हम लोग एक चीज बोलते थे कि जो एमवे बिजनेस है ग्लोबली वर्ल्ड वाइड ये होम टू होम बिल्डअप होता है, होम मीटिंग से बिल्डअप होता है। जिन जो लोग होम मीटिंग, जितने भी प्लैटिनम्स होंगे आप देखोगे मैक्सिमम प्लैटिनम्स जो है 99% प्लैटिनम्स उनके घर पे होम मीटिंग हुई है, दैट्स व्हाई दे आर प्लैटिनम टुडे। रेयरली मुझे कोई प्लैटिनम मिलता है जिसके घर पे होम मीटिंग नहीं हुई वो प्लैटिनम गया, रेयरली। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आप लीडर्स को अब मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप कर रहे हैं तो गेट द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन और उसकी वेब होम मीटिंग करिए, उसके 3-4 लोगों की होम मीटिंग करिए, मेक हिम रिस्पॉन्सिबल, 6% लेवल की होम मीटिंग करिए। डेप्थ ड्राइव कर रहे हैं उस डेप्थ में जाके 6% की होम मीटिंग करिए। कई बार हम गलती क्या करते हैं कि जी हम तो बोल ही रहे हैं तो 4 बैठ जाए या 14 बैठ जाए, तो वो 14 बैठने पे सारा रायता बिखरता है, फिर आपका पर्सनल इंट्रैक्शन नहीं होता, फिर पर्सनल उसके उससे रिलेटेड आप बात नहीं कर पाते हो, फिर तो वो ओपन में और पेस में बैठ ही रहा है, फिर प्रॉब्लम क्या है, दोनों बिल्कुल अलग है। अभी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ज्यादा रिजल्ट लेना चाहते हो तो पहले वो कम से कम एक वन ऑन वन कर लिया हो या एक वेब होम मीटिंग अटेंड किया हो, इसके बाद आप उसको ओपन में बिठाओ या पेस में बिठाओ, यू विल गेट द बेटर रिजल्ट। सो स्टे फोकस ऑन द प्लान, एसटीपी पे फोकस करना, जो मैंने आपसे बात की पहले कि दो चीज पे फोकस रखना है, स्टे फोकस, पहला चीज आपका सर्कल राइट होना चाहिए, और उस सर्कल राइट रहने में जो चीजें हैं उनको फोकस करते हुए आपको अपना एसटीपी फोकस रहना चाहिए। अगेन मैं उसको रिव्यू कर दूं, नए हैं तो कम से कम मंथ में 10 प्लान, और अगर आप पुराने हैं तो और प्लान कर लेते हैं, ध्यान रहे अगर आप प्लान कर लेते हैं तो कम से कम 5 प्लान वीक में, 5 प्लान्स इन अ वीक, क्योंकि प्लान के आगे पीछे आपका इंट्रैक्शन होता है। कई बार हम क्या करते हैं, हम कई बार किसी का प्लान पड़ा हुआ है वो हम भेज देते हैं, अच्छा है, लेकिन वो भी तब भेजिए अगर आपको अच्छा रिजल्ट लेना है, पहले आप उसको 1-to-1 या वेब होम मीटिंग में बिठाइए, आप देखिए उसका रिजल्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि वो जो प्लान पड़ा हुआ है, अगेन वो प्लान कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं है कि वो प्लान मास्टर को ही दिखा रहा था, वो जो प्लान पड़ा हुआ है मास्टर दिखा रहा था लेकिन वो किसको दिखा रहा था पता नहीं, वो ओपन में बात कर रहा था, होम मीटिंग में बात कर रहा था, या किसी और को प्लान दिखा रहा था, वो यूट्यूब पे डला हुआ है, ज्यादातर तो उसे पता भी नहीं है यूट्यूब पे डला हुआ है। मुझे एक कॉल आई, बोले सर मैंने आपका प्लान देखा यूट्यूब पे, तो मैं सोचने लग गया मैंने तो यूट्यूब पे डाला नहीं, ये मेरा प्लान कहां से देख लिया, मुझे खुद ही नहीं पता था यूट्यूब पे कहीं कोई प्लान है। अब वो किसी ने रिकॉर्ड किया था, किसी ने डाल दिया प्लान का पार्ट। तो हम इस तरह से भी प्लान ढूंढते हैं और भेजते हैं, तो आपको वहां पे भी भेजिए, डेफिनेटली भेजिए। कोई डॉक्टर का प्लान कर रहा है उसकी रिलेटिविटी मिलेगी उसको, लेकिन अगर आपने पहले उसके साथ बात कर लिया है, पहले 1-to-1 कर लिया है, तो सो स्टे फोकस ऑन दिस। दूसरी चीज जो आपको फोकस रखना है, जो सबसे ज्यादा जो आपको रिजल्ट दिलाएगा वह है वर्क एथिक्स। कई बार क्या होता है, हम दोनों चीज का बैलेंस होना चाहिए, ध्यान रहे लर्निंग बाय डूइंग।
कई बार हम सीखते नहीं है, काम करते हैं, रिजल्ट नहीं आता। कई बार हम सीखते ज्यादा है, काम नहीं करते। आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि आपको सीख इसलिए रहे हो क्योंकि काम हो। और एमबीए बिजनेस में काम सिर्फ तीन है, या दो ही है मैं बोलूंगा, वो है आप किसी को नए आदमी को बिजनेस प्लान दिखा रहे हैं या किसी नए आदमी को प्रोडक्ट वर्कशॉप कर रहे हैं। यही काम है, और ये हफ्ते में 5 दिन होना चाहिए आपके हाथों से। कम से कम 5 व्यक्ति ये नया प्लान देख रहा है, नया डेमो देख रहा है। अगर ये नहीं हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आप काम नहीं कर रहे, काम करने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी सारे वो काम इसलिए होते हैं कि उसकी प्रिपरेशन हो। अभी जो हम आपके साथ मीटिंग कर रहे हैं वो इसीलिए मीटिंग कर रहे हैं कि वो काम हो, क्योंकि अगर वो काम नहीं होगा तो आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़े। तो काम क्या है? न्यू प्लान, नया प्रोडक्ट डेमो, यही काम है। और ये हफ्ते में 5 दिन होना चाहिए अगर आप कर रहे हैं, और अगर आप नए हैं तो आप अपने अपलाइन से करवा रहे हैं। सो हमेशा टेक केयर ऑफ योर वर्क एथिक्स। आप अपने वो जो वर्क एथिक में ये ध्यान रखिए, क्या मैं ये काम कर रहा हूं, स्टे फोकस ऑन योर वर्क एथिक्स। आज श्याम जी अगर डायमंड है तो ही इज अ वेरी वर्क अल्कोहलिक, मतलब काम 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 काम। संडे होता था तो संडे में पता लगा 4-4, 5-5, 6-6 होम मीटिंग्स होती थी। और बाद में तो ऐसा होने लग गया था कि कई बार ये होता था कि भाई सर आप जब तक पहुंचेंगे तब तक हम प्लान करके रखेंगे। आप सबको पता है जो पुरानी टीम है लखनऊ की, वो पता रहता था कि मैं गौरव के यहाँ होम मीटिंग कर रहा हूँ, वहां से फिर मुझे मनीष जी के यहाँ निकलना है, तो पता लगा लेट हो रहा है तो वहां पे पहले पहुंच के वहां पे कुछ प्लान कर रहे हैं, इसके बाद फिर बाद का सेशन मैंने ले लिया। तो एक्शन ओरिएंटेड वर्क एल्कोहलिक। एक सैटरडे संडे जब मैं जाता था तो पता लगा 5 दिन में काफी काम हुआ है, उसके साथ फिर हमें काम करना होगा, राइट? तो आपको स्टे फोकस, आपको फोकस रखना है अपने वर्क एथिक्स पे, ध्यान रखना अपने वर्क एथिक्स पे आपको फोकस रखना है। अब वर्क एथिक्स पे जब आप फोकस रखेंगे तो आपको जिस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि बिजनेस के दौरान, फोकस के दौरान आपको फोकस रखना है राइट बिजनेस टूल्स पे। आपको ये बिजनेस बिल्डिंग टूल्स हैं कुछ, कई बार हम समझ नहीं पाते कि बिजनेस बिल्डिंग टूल्स हैं क्या है यहाँ पे। आप जब भी किसी प्रोफेशन में होते हैं, किसी बिजनेस में होते हैं, तो आप अपने पहले टूल्स की व्यवस्था करते हैं। यहाँ पे जो आपके बिजनेस बिल्डिंग टूल्स हैं, वो सबसे पहला बिजनेस बिल्डिंग टूल है आपका खुद एमवे। तो आप ये ध्यान दो, नया डिस्ट्रीब्यूटर आ रहा है तो जो एमवे प्रोडक्ट ट्रेनिंग आपको फ्री में दे रहा है, आप वो देखिए कि कौन सी ट्रेनिंग हमको किस डिस्ट्रीब्यूटर को प्रमोट करना है। अब यहाँ पे एक बात आपको बहुत बहुत ही मतलब सीरियसली बोलना चाहूंगा कि नए आदमी को हफ्ते भर में 5 मीटिंग प्रमोट मत कर दीजिएगा, कि वो अगले हफ्ते गायब भी हो जाए। बोले जी ये तो बड़ा बवाल है, ये तो बोले थे पार्ट टाइम में होगा, और रोज किसको क्या प्रमोट करना है ये आपके हाथ में रिमोट होना चाहिए। और अगर कर रहे हो तो उसको बताओ कि ये कंपलसरी नहीं है, आप अपने सुविधा के हिसाब से देख लीजिए। जो मीटिंग कंपलसरी है उसको आप पहले से बोल के रख सकते हो, देखो ये पेस मीटिंग है और ये ओपन मीटिंग है, 2 मीटिंग कंपलसरी रखिए। पेस मीटिंग में आपका सब कुछ होता रहता है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी है, बिजनेस बिल्डिंग सेशंस भी है। सो पेस मीटिंग, ओपन मीटिंग, अगर वो किसी वजह से कहता जी ओपन भी नहीं कर सकता तो पेस में लेके आओ पहले, राइट? So, बाकी आपको फोकस रखना है कि एमबे का इस्तेमाल कैसे करना है। दूसरा आपको क्या फोकस रखना है, सिस्टम का इस्तेमाल कैसे करना है। आप उसको सीडी भेजिए, आप उसको vision100.com जो है, vision100.com जो है उसको उसको आप उस पे लाने का प्रयास करिए। उस पे जो टॉक्स हैं वो पड़ी हुई हैं, आप उनको पहले दिखाइए एक बार, लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं या अपने साथ उनको देख सकते हैं या उनको एक साथ फोन पे लेकर के उस पे लेके जा सकते हैं। हाँ, कौन टॉक सुननी है उनको ये जरूर बताइए, नहीं पता लगा नया आदमी आप उसको लीडरशिप की टॉक सुन रहा हो, अभी काम कुछ भी नहीं शुरू किया, लीडरशिप उसके लिए समझ नहीं आया, हैवी हो गया, बाद में पता लगा वो बिजनेस से बाहर हो गया, बोले तो बड़ा मुश्किल मुश्किल काम है। और जो सबसे ज्यादा बेस्ट यूज करना है आपको, यूज योर अप्लाई। जब हम नए होते हैं, एकदम नए होते हैं, तब तो हम अप्लाइन को इस्तेमाल करते हैं, और जैसे ही हम इस बिजनेस के अंदर 9% टू सिल्वर आते हैं, प्लैटिनम आते हैं, वैसे ही हम इस अपलाइन का इस्तेमाल करना कम कर देते हैं। उसका कारण क्या होता है, जेन्युइन भी है, उसका कारण ये होता है कि हमें वो आदमी प्लान करने लग जाता है, डेमो करने लग जाता है, एनडीटी करने लग जाता है। लेट से हमारा कोई सिल्वर है, प्लैटिनम है, 15% है, इवन कई बार 12% का हमारा लीडर है,
तो वो प्लान भी कर रहा है, एनडीटी भी कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन भी कर रहा है, सब कुछ अच्छा कर रहा है, तो उसके अपलाइन को लगता है ये कर लेता है, वो कर रहा है, और उसे भी लगता है कि मैं करना मुझे ही है, तो ठीक है अब सर से क्यों टाइम लेना, लेंगे सर जब उस लायक काम रहेगा। तो दोस्तों आप ये भूल जाते हैं कि यू आर इन द बिजनेस ऑफ बिल्डिंग द टीम, आप टीम बिल्डिंग बिजनेस में हैं, और टीम में जो सबके आइडल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, सबकी पसंद अलग अलग होती है, सबकी बॉडी केमिस्ट्री अलग अलग होती है। श्याम जी आज मेरे से आपके साथ बात करा रहे हैं इसलिए नहीं करा रहे हैं, उन्हें पता है कि मैं ऐसी कोई बात नहीं बताने वाला हूं जो मैंने उनको आज तक मैंने उन्हें नहीं बताया, बल्कि वो मेरे से बेहतर आपको बता सकते हैं, मेरे से अच्छा बताते हैं, एंड ही इज अ डायमंड दैट्स व्हाई। लेकिन वो मेरे से टॉक क्यों करा रहे हैं मालूम है, क्योंकि हो सकता है किसी की बॉडी केमिस्ट्री मेरे से मैच करे, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप अपने अपलाइन का इस्तेमाल करते हैं तो यू कैन एडिफाई योर अपलाइन, आप अपने अपलाइन को एडिफाई कर सकते हो, आप अपने अपलाइन के बारे में बता सकते हो, और आपको एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक बताने वाला और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुनने वाला। सुनने वाला किस फेज में है, सुनने वाला अगर सुनने को तैयार है तो बताने वाला अगर थोड़ा कम भी अच्छा है ना तो भी अच्छा हो जाता। आप क्लास में देखो, स्टूडेंट देखो, कई बार टीचर कम अच्छा है फिर भी वो जो क्लास के 5-7 अच्छे बच्चे होते हैं ना वो अच्छा करते। हमें बहुत अच्छे से याद है जब हम एमएससी कर रहे थे तो हमारे एक टीचर थे डॉक्टर सेचू सिंह, और वो बहुत बढ़िया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते थे, मतलब कमाल, वैसा टीचर मेरी जिंदगी में नहीं आया। और मुझे याद है उनका जब रिजल्ट आया एमएससी प्रीवियस का, तो उनका जो रिजल्ट था वो उन टीचर से खराब था जो सबसे खराब पढ़ा रहे थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिनका सबसे खराब क्लास होता था, जिनकी क्लास में कोई जल्दी बैठता नहीं था, वो आते भी नहीं थे, आते थे तो कुछ और कहानियां बताते थे, लेकिन उनका रिजल्ट अच्छा था, और जो क्लास के अच्छे बच्चे थे ना वो दोनों में बराबर नंबर था। तो वो बड़े दुखी होके कह रहे थे कि बार बताओ पढ़ाने का क्या फायदा, और वो हम 3-4 5 बच्चे जो उनसे थोड़ा क्लोज थे, मतलब फैमिलियर थे बहुत, उनका बेटा भी पढ़ता था, हम बहुत अच्छे दोस्त थे हम लोग, तो वो 4-5 बच्चों को अलग ले गए और बोले बता भाई दिक्कत क्या है, मतलब मेरे में कम नंबर क्यों है, तो फिर पढ़ाने का क्या फायदा। तो हम लोगों ने खैर वो उनके साथ दूसरा डिस्कस किया, हमने उन्हें बताया कि सर बस ये फायदा है कि जितना नंबर हम लोग आपके सब्जेक्ट में पाए हैं कम पढ़ के, आधा घंटा पढ़ के, नोट्स केवल देख के, उसी के लिए उनके में हमें 3-4 घंटे देने पड़े। इसलिए तो मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, बच्चा जो रिसीवेबल था वो दोनों में पढ़ा, लेकिन प्रॉब्लम आई उसको, ज्यादा टाइम डालना पड़ा। सो मैं आपको कहना सिर्फ क्या चाहता हूं कि अगर आप अपने अपलाइन का इस्तेमाल करते हैं तो द बेस्ट थिंग इज व्हाट, कि किसकी बॉडी केमिस्ट्री किससे मैच कर रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप उसको एज ए टूल कितना एडिफाई कर रहे हो, चाहे आपका अपलाइन 6% है, आप 3% है, और जब आप बताते हैं कि मैं जिनके साथ बिजनेस कर रहा हूं उनको बिजनेस की काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वो कुछ इंडियन और कुछ इंटरनेशनल लोगों के साथ मिलके बहुत बड़ा बिजनेस बना रहे हैं, मैं उनसे उनका टाइम बुक करता हूं और मैं प्रयास करता हूं कि आपसे उनका टाइम मिल जाए और मैं आपको उनसे मिलूं। अब होता क्या है, वो जो नया आदमी है ना वो सीरियसली उसको सुनता है। आप खुद को किसी भी लेवल पर ये नहीं कह सकते हो कि आप मुझे बहुत ध्यान से सुनो, मैं प्लैटिनम हूं और देखो मुझे बिजनेस बहुत आता है, आप नहीं कर सकते, अपलाइन को कर सकते हो। सो हैव द राइट यूज योर अपलाइन, आप अपलाइन को एज ए टूल इस्तेमाल करिए। हाँ, लेवल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए कि जब तक आप बिजनेस के अंदर एटलीस्ट फाउंडर एमरल्ड या डायमंड नहीं जा रहे हैं तब तक क्या आप अपने अपलाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेवल अलग है, ठीक है, आप श्याम जी से इस्तेमाल कर रहे हो 6% अबव करा रहे हैं, 9% अबव करा रहे हैं, 12% अबव करा रहे हैं, किसी को 1-to-1 उनके साथ काउंसलिंग करा रहे हैं, बट टेक द टाइम, रहम नहीं करना है अपलाइन के ऊपर। हाँ, आप 3% है, 6% आपका अपलाइन, 12% है, 15% है, जो भी अपलाइन है उसका आप राइट यूज करें, मिस यूज नहीं करना, ये भी ध्यान देना। इसलिए नहीं कि आज मैंने बोला है, पांडे सर ने बोला है, तो कल से उसको काम पे लगा दो कि जाता मेरा साबुन लेते आना। हमेशा अपलाइन का वहां इस्तेमाल करो जो आपको लगता है कि यार मैं नहीं कर सकता हूं, या मेरे से बेहतर ये काम मेरा अपलाइन कर सकता है, यहां पे मैं अपने अपलाइन का बेस्ट यूज कर सकता हूं।
लास्ट में मैं चार पांच पॉइंट छोटे छोटे हैं जिनकी बात मैं जल्दी जल्दी करूंगा। मेरे ख्याल से 5-7 मिनट टाइम है सर। पूरा टाइम है सर, पूरा टाइम। 10 मिनट ले सकते हैं ना? 15। मॉर्निंग सबको निकलना भी होगा। सो सर जो जाना चाहेंगे बस रखना है इस फोकस प्रमोटिंग द फंक्शन। कई बार क्या होता है जो जब से ये डिजिटल आ गया है, व्हाट्सएप आ गया है ना, तो हम व्हाट्सएप व्हाट्सएप खेलते हैं। हमारे पास ओपन मीटिंग का मैसेज आया, हमने खटाक से अपना ग्रुप, आज की डेट में तो इतने ग्रुप बने हुए हैं कि वो मैसेज मुझे लगता है, मैं देखता हूं कि ज्यादातर केसेज में, मोर देन 90% केसेज में कोई इंफॉर्मेशन जब मैं देखता हूं और मुझे लगता है कि मैं प्रमोट करूं तो पता लगता है कि लगभग ग्रुप्स में आ चुका है। दोस्तों, ग्रुप में भेजना इज नॉट प्रमोशन, इट्स द इंफॉर्मेशन। प्रमोशन ये है जब आप उसको कॉल करते, जब आप उसको फ्राइडे के लिए, बुधवार को, वेंसडे को, थर्सडे को जब आप कॉल करते हो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, नया है, बोलते हो कि देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है, बहुत ही अच्छे स्पीकर हैं, आई नो पर्सनली, या मैं उनके बारे में जानता हूं, या उसका प्रोफेशन आप उसको हाईलाइट करते हो, आप बताते हो कि वो जो है रेलवे में इंजीनियर हैं या फला जगह पे हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके बारे में बात करते हो आप, और बताओ कितने प्रोस्पेक्ट बैठ रहे हैं, पॉसिबल है तो उसके लिए आप कॉलिंग कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर है 6%, उसको फोन कर रहे हो, और क्या हालचाल है, ये बताओ इस फ्राइडे में क्या टारगेट है आपके, कितने टीम के लोग बैठ रहे हैं। फोकस ऑन नंबर्स। अगर कुछ नहीं कर सकते हो, या सबसे बड़ा काम है एमबीए बिजनेस में जो आप कर सकते हो, फोकस ऑन नंबर्स। हमेशा फंक्शन से पहले ज्यादा नंबर बैठाने का फोकस करिए, और फंक्शन के बाद काउंट योर नंबर्स। ऑलवेज काउंट योर नंबर्स इन द मीटिंग, ऑलवेज। आपके दिमाग में इतना भरा रहना चाहिए कि यार पिछले संडे में, पिछले फ्राइडे में मेरे 3 लोग थे, इस फ्राइडे में मेरे 5 हैं, पिछले फ्राइडे में मेरे 57 लोग थे, इस फ्राइडे में मेरे 60 हैं, पिछले फ्राइडे में मेरे 30 लोग थे, इस बार मेरे 40 हैं। आप अगर आपकी ओपन में 30 से 40 लोग रेगुलरली बैठने लग गए, यू विल स्टार्ट अर्निंग मोर देन 1 लाख रुपीज इन अ मंथ। क्या करना चाहिए सोच के देखो आप, ऑन एन एवरेज, एवरेज बात मैं कर रहा हूं, अगर 30 से 40 रेगुलर आपकी ओपन में बैठ रहे हैं, 2 महीने बैठा के देखो, आपको ₹1,00,000 महीना एमबे से बनने लग जाए। आसान काम है, मुश्किल काम है, बाकी सब एक थंब रूल है। तो हमें ये फोकस रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। आपके 3 से 4 लोग बैठने लग गए, आप 9% बिजनेस करने लग जाओगे जब आप रेगुलर आपके बैठने लग गए। शुरू में वो नंबर थोड़ा जिग जैक होते हैं, किसी में 7 बैठ जाएंगे, किसी में 2 आएंगे, किसी में 15 बैठ जाएंगे, किसी में 3 आएंगे, इट विल हैपन। सो स्टे फोकस ऑन योर नंबर्स। आप अपनी मीटिंग्स स्पेशली मैं बोल रहा हूं पेस एंड आपकी जो फ्राइडे ओपन है, इस पे हमेशा आपको फोकस रखना है। ऑलवेज काउंट द नंबर्स हियर। आपको हमेशा फोकस रखना है अपने स्ट्रक्चर के ऊपर और अपने डाउनलाइन के स्ट्रक्चर के ऊपर। कई बार हम बिजनेस कर रहे होते हैं और वी आर नॉट फोकस, और उसकी वजह से हमें पैसे कम बनते हैं, क्योंकि एमवे बिजनेस में हमेशा ध्यान रहे पैसा स्ट्रक्चर पे आता है। 1-15% ऐसा होता है जो ₹10,000 भी बनाता है, 1-15% ऐसा होता है जो ₹60,000 भी बनाता है। तो आपको स्ट्रक्चर पे फोकस रहना है, अपने भी और डाउनलाइन के भी स्ट्रक्चर पे फोकस रहना। स्टे फोकस। अगर आप राइट स्ट्रक्चर से आप ये बिजनेस की प्लैटिनम क्वालिफिकेशन शुरू कर रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज आप आज की डेट में कोर प्लस लेकर के ₹1,00,000 महीने की इनकम शुरू हो जाती है। सो स्टे फोकस ऑन योर स्ट्रक्चर। स्टे फोकस ऑन बिकमिंग द लीडर्स। मैं 6% एंड अबव से बात कर रहा हूं। ये स्टे फोकस ऑन बिकमिंग द लीडर्स, डोंट बिकम द मैनेजर। कई बार क्या होता है, हम मैनेजर हो जाते हैं 6% 9% के बाद की, भाई जैसे मैंने किया वैसे कर लो। कई बार तो बोलते हैं सर उसको 6% पहुंचा दिया, अब वो करेगा, अब वो नीचे 6% पहुंचाएगा। हमेशा ध्यान रहे लीडर्स लीड्स बाय एन एग्जांपल। आप उनको एग्जांपल दिखाइए, आप उनको 6% पहुंचाइए, उनके नीचे फिर दूसरा आदमी ढूंढिए जिसको 6% पहुंचाना है, वो 6% गया उसके नीचे दूसरा आदमी ढूंढिए जिसको 6% पहुंचाना है। और ये प्रोसेस आपका तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 फाउंडर प्लैटिनम या आपको 1 एमराल्ड नहीं आ जाता, तब तक कम से कम आपको वहां पे वो काम चलते रहना है।
टू क्रिएट द लेगेसी, लैग को लेगेसी में कन्वर्ट करने के लिए, बड़े बिजनेस बनाने के लिए आपको ये काम करना है कि अगर कोई सिचुएशन भी आ जाए तो आपका 50,000 पीवी का ग्रुप है तो आपको वो 20,000 पीवी से तो नीचे नहीं लाए, राइट? सो डोंट बिकम मैनेजर, बिकम द लीडर। आपको लीडर बनने का प्रयास करना, और लीडर हमेशा खुद लीड करता है, इस पर हमेशा फोकस रखिए आप। फोकस ऑन, अब मैं एमवे के टर्म में बात कर रहा हूं कि आपको हमेशा फोकस रखना है कि हमारे टीम में कितने नए बीएफआई आ रहे हैं, कितने नए बीबीआई आ रहे हैं। ऑलवेज फोकस ऑन दैट, हमेशा। अगर आप अभी नए हैं तो आपका पहला फोकस होना चाहिए बीएफआई जाना, बीबीआई जाना। और अगर आप लीडर हैं तो आप ये देखिए, काउंट योर नंबर्स। कई बार क्या होता है कि जब कोई चीज शुरू होती है तो हम बड़े फोकस होते हैं, फिर हम डिले हो जाते हैं। हमें याद है, स्टिल आई रिमेम्बर, आई डोंट नो श्याम जी से मेरी डिस्कशन नहीं हुआ, कंपनी ने श्याम जी की ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्पेशली बीएफआई और बीबीआई के लिए कुछ प्रोग्राम रन किया था। आई डोंट नो आप कितने फोकस्ड हैं उसको लेकर के। क्या जितना पहले महीने फोकस थे, क्या अभी भी फोकस हैं? अभी भी यू हैव 60 डेज कि आप कितने लोगों को इस 60 डेज में बीएफआई और बीबीआई में लेके आ सकते हैं। फाइंड आउट, वर्क आउट कि उनको हमें नए हैं, नए कौन है जो इनको हम बीएफआई में लेके जा सकते हैं, पुराने कौन है जिनको मैं फिर से बीएफआई मेंटेन करा सकता हूं ये अगले 2 महीने के अंदर, बीबीआई कौन नया आ रहा है। सो ऑलवेज स्टे फोकस। ये मैं जो पॉइंट्स कर रहा हूं ना, इसको हमेशा आपको फोकस रखना है, ये वन टाइम का काम नहीं है। ऑलवेज स्टे फोकस ऑन दिस, ऑलवेज स्टे फोकस ऑन न्यू पिन अचीवर्स। अपनी टीम में अगर पूरे महीने आपकी टीम में कोई नया पिन नहीं आया, चाहे वो 3% का ही क्यों ना हो, इसका मतलब आप काम नहीं कर रहे। सॉरी टू से, यू आर नॉट वर्किंग। अगर आप अपनी टीम में 1-3% नहीं ला पा रहे हो, अगर आप अपनी टीम में एज अ प्लेटिनम आपकी टीम में 10-3% नहीं आ रहे, इट मींस यू आर नॉट वर्किंग। मैं ये नहीं मान सकता कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे 3% नहीं लाया जा सकता। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे 3% आते हैं, हाँ बड़ी पिन के लिए थोड़ा हो सकता है कि मुश्किल है, बट 3% आपको ला सकते हो डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो स्टे फोकस्ड, ऑलवेज स्टे फोकस ऑन न्यू 3%ers, न्यू 6%ers। Always stay focused. अगर किसी महीने नहीं आया तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, आप उस महीने थोड़े डिस्ट्रैक्ट हुए हैं। एंड लास्ट, फोकस ऑन बिल्डिंग द प्रॉफिटेबल, सस्टेनेबल एंड फास्ट बिजनेस। आपका बिजनेस फास्ट होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। मैं हमेशा एक स्लोगन याद रखिए, बिल्ड इट राइट, बिल्ड इट फास्ट। एमवे बिजनेस धीरे बनाने पे बहुत टाइम लगता है। कहते ना ये वो मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है, 2×2×2×2 होता है। जब आप धीरे बनाते हैं तो उसी रेशियो में नीचे भी होता है। सो बिल्ड इट राइट, बिल्ड इट फास्ट। ध्यान रहे राइट पहले है, बिल्ड इट राइट, बिल्ड इट फास्ट। फास्ट बनाएंगे तो आपका भी तेजी से होगा, आपके लोगों का भी तेजी से होगा। बट बिल्ड इट राइट इज फर्स्ट, सही बनाना है। राइट स्ट्रक्चर, सस्टेनेबल स्टेबल बिजनेस आपको बिल्डअप करना है। एंड आई नो कि विद प्रॉपर गाइडेंस, आप जितने लोग भी हो, जो लोग इतने, सबसे बड़ी बात क्या है कि मुझे पता है कि ये सारे सीरियस लोग थे। जब हमने टॉक शुरू करी थी तब भी 97 के आसपास लोग थे, और अभी भी मुझे 97 दिख रहे हैं। तो आप अपनी पीठ थपथपा सकते हो, आप यू कैन से कि यू आर द कोर पर्सन्स। लेकिन आपको ये जो फोकस है यही डिस्ट्रैक्ट होता है, दैट्स व्हाई बिजनेस में ग्रोथ वो नहीं मिल पाती जो आप पाना चाहते हो। तो जो फोकस मैंने वर्क बात करी कि अगर आप इन चीजों पे फोकस रखते हैं तो आप एक बहुत ही खूबसूरत ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डायमंड है श्याम जी इन द एमवे गैलेक्सी। 7 ईयर्स के अंदर डायमंड गए, तो कम ही लोग हैं जो 7 ईयर्स में डायमंड गए हैं। ऐसा नहीं लोग नहीं गए, लेकिन कम लोग हैं। सो आप उनसे सीख सकते हैं, और आपकी जो अप्लायंस हैं दे आर द बेस्ट, वो हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं। जो भी आपके अप्लायंस प्लैटिनम्स हैं, चाहे वो अप्लायंस प्लैटिनम्स हैं, फाउंडर प्लैटिनम्स हैं, चाहे वो चंद्रशेखर जी हैं, चाहे वो मनीष जी हैं, चाहे वो ओपी जी हैं, चाहे वो नीलेश जी हैं, चाहे गौरव हैं, चाहे विद्या जी हैं, जो भी आपके अप्लायंस हैं, जो भी अप्लायंस प्लैटिनम्स हैं, यू नो जितने भी हैं, कई सारे लोग हैं जो इनका नाम मैं अभी नहीं ले पा रहा हूं। सो बहुत सारे लोग हैं, जो भी आपका अप्लायंस प्लैटिनम, वो बहुत ही सीरियस हैं आपकी ग्रोथ को लेकर के। एंड आई नो आप भी सीरियस हो,
बस आप थोड़ा सा फोकस रहिए, आप बहुत बड़ा बिजनेस बनाने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक बढ़िया सी क्लैपिंग आप लोग बिना कहे कर रहे हो, मुझे पता है अभी इतने हार्ड हाउस में टाइम दिया हमारे लिए, और हम ब्लेस्ड हैं सच में कि इतनी महत्वपूर्ण बातें हमें नए साल के आने के पहले मिल गई और इस पे हम अमल करेंगे सर को, हम प्रॉमिस करते हैं सर। हम ये दिखाएंगे जुलाई में ही, आप वो अगस्त की पहली ओपन मीटिंग में आप देखेंगे कि आपके स्टॉक ने कितना असर किया है। अगस्त की पहली ओपन में आप देखेंगे कि आपकी टॉप ने कितना असर किया है। हम अपनी पूरी टीम की तरफ से प्रॉमिस करते हैं, हमारे लीडर्स भी प्रॉमिस करते हैं, मुझे पता है जितने लगन से सब लोगों ने नोट बनाया है, सीखा है। थैंक यू सर, थैंक यू वंस अगेन। एक बढ़िया सी क्लैपिंग फिक्स सर के लिए करेंगे और सेशन को लव यू ऑल, लव यू ऑल।